अलवर में अपराधियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। पहले बदमाश आमजन को शिकार बनाते थे, लेकिन अब पुलिस पर भी हमला करने लगे हैं। और ऐसा ही एक मामला देर रात को शिवाजी पार्क में सामने आया है। यहां पर कांस्टेबल सतीश यादव पर गश्त के दौरान दो लोगों ने चाकू से हमला कर दिया और घटना के बाद एक बदमाश मौके से भी फरार हो गया, जबकि आपको बता दें कि दूसरे को कांस्टेबल ने पकड़ लिया है। और सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घायल कांस्टेबल को अस्पताल में भी भर्ती करवाया, जहां पर सतीश का इलाज अब भी जारी है। गश्त पे थी तो उन पर दो व्यक्ति संदिग्ध मिले, उनसे पूछताछ की तो एक व्यक्ति तो उनसे छुड़ा के भाग गया, लेकिन एक व्यक्ति जो था उसको उन्होंने पूछा तो उसके पास में कुछ संदिग्ध चीज़ें मिली हैं जैसे चाकू वगैरह। और जैसे ही उन्होंने एक जो भगा था उसको पीछा किया गया, और ये जो सिपाही था जिसने बहुत बहादुरी काम किया इसको दबाए रखा। हालांकि इसके हमला उसने हमला भी किया, चाकू उसमें कट भी लगे, जिसका इलाज अभी जारी है। दूसरा जो भगा है उसको आइडेंटिफाइड कर लिया गया है और